गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता की हत्या से कलचुरी समाज के लोगों में आक्रोश। नरसिंहपुर जिले में अपराधियों को क्यों होते जा रहे हैं हौसले बुलंद? किसी अपराध को करने में क्यों नहीं कांपते उनके हाथ? थाना ठेमी अंतर्गत 14-2 को ग्राम बिछिया में विक्रम बाजाय ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र राय व उसके साथी कमलेश पाठक उर्फ गोठल महाराज को गोली मार दी थी, जिससे सुरेंद्र राय की मौत हो गई थी और कमलेश पाठक को जबलपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी आ चुके हैं, पर नरसिंहपुर कलचुरी समाज के लोगों ने गद्देबस पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर नारेबाजी करते हुए सुरेंद्र राय को हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की और गवाहों को धमकाने, साक्ष्य मिटाने और झूठे मामले में फंसाने की शिकायत भी कलचुरी समाज के लोगों द्वारा पुलिस अधिकारियों से की और कहा कि हत्याकांड के पूर्व तथा पश्चात में जो फोन व मोबाइल अभियुक्त व उनके सहयोगी द्वारा हत्याकांड को अंजाम द्वारा बड़ी संख्या में क्या मांगे सरकार से? पूरा समाज हमारा इकट्ठा होकर आ जाया, हम न्याय की गुहार मांगते हैं और हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो आरोपी हैं उन पर दंडवत कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो और न्याय मिलना चाहिए। सभी युवा और सभी यहां उपस्थित हुए हैं, उसका एक ही रीज़न है कि जो जो अपराधी हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी लगी है कि उनका यही कार्य है, ये अवैध वसूली करते हैं, जो वहाँ काम करने जाते हैं उनसे पैसे की मांग करते हैं। और अभी जानकारी मिली है कि अभी जो उनकी जो बहन है, जो महिला है, उसके आने से वो सबूतों का सबूत मिटा रही है पूरे, और अपने यहाँ घर पे जो आग लगा चुकी है वो एक बार सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। और जो हमारे यहाँ लाइव आई विटनेस हैं, जो उनको भी उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप यहाँ गवाही ना दें या गवाही से पलट जाएं, उन पर पैसे देकर या उनसे दबाव डालकर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप गवाही ना दें। क्या नाम है आई विटनेस का? गुना से हमारे संवाददाता टोनी साय की रिपोर्ट। गुना के मकसूदनगढ़ में आज साबरी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें भील समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साबरी जयंती का जुलूस मकसूदनगढ़ गुना रोड रेस्ट हाउस से होते हुए भोपाल रोड गार्डन पहुंचा। जुलूस भी भील समाज में चली आ रही परंपराओं के अनुसार समाज के लोगों ने बिखेरी और खेलते हुए जुलूस में निकले और जुलूस में छोटे बच्चों ने अपने सर पर कलश लेकर रखे साथ चल रहे थे। साथ ही भील समाज की साबरी जयंती के जुलूस की जगह जगह स्वागत किया गया। गुना से संवाददाता हमारे टोनी साय की रिपोर्ट। छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। खजुराहो में मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज एक गो राइड हेरिटेज रन का आयोजन किया गया, जिसमें SDM बानखेड़े और MPT के क्षेत्रीय प्रबंधक SK समधिया ने हरी झंडी की शुरुआत की दिखाकर। पहले यह दौड़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार यह दौड़ MPT के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की अलग अलग दौड़ की गई, जिसमें लगभग 500 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों से लेकर बड़े तक हर उम्र के व्यक्ति ने हिस्सा लिया। और इस दौड़ में जर्मनी से आए हुए 58 वर्षीय पीटर, जिन्होंने 10 किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लिया और 46 मिनट के अंतराल से दौड़ पूरी की, पीटर ने बताया कि उन्हें इंटरनेट के माध्यम से गो हेरिटेज रन के बारे में पता। चिचौली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। बैतूल विश्वकर्मा लाहौर समाज का सम्मेलन में दी शहीदों को श्रद्धांजलि। समाज का सामुदायिक मंगल भवन का लोकार्पण पूर्व विधायक विनोद डागर, समाज के जिलाध्यक्ष चंद्रदास पाडलीवाल और लीला राम उमरे किशोरी लाल शंकर लाल की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बैतूल के शारदा मंदिर सोना घाटी में हुआ। 100 से अधिक युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हुआ। विनोद डागा ने लाहौर समाज को तन मन धन से सहयोग करूंगा की शपथ दी और समाज को विकासशील बनाने पर चर्चा की और समाज की महिलाओं संगठन में सहयोग रहा। बैतूल चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। विधायक है, आप लोगों के आशीर्वाद से बना है और वो एहसान आपका डागा परिवार कभी नहीं भूल सकता, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भूल सकती। और आप लोगों ने, आप लोग जो चीज़ और जो व्यवस्था चाहेंगे, जो हम लोगों की ताकत होगी आपके समाज के लिए करने के लिए, हम हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ